कार्सिनोजेंस एंड कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस इसे ओंकोजेनेसिस, ट्यूब्रोजेनेसिस मीन्स मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर, मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर्स एजेंट विच कैन इंड्यूस ट्यूमर, ऐसे एजेंट जो कि ट्यूमर को इंड्यूस कर रहे हैं उसको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर की बात करें उसे कार्सिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे फिजिकल कार्सिनोजेंस एंड फिजिकल कार्सिनोजेंस एंड रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड केमिकल कार्सिनोजेनेसिस एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस एंड वायरल ऑन्कोजेनेसिस। तो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस में क्या होता है, केमिकल कार्सिनोजेनेसिस किसके द्वारा होती है, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इन, किसमें म्यूटेशन होगा, प्रोटोंकोजिन्स और ट्यूमर सप्रेशन जीन, प्रोटोंकोजिन और ट्यूमर सप्रेशन जीन में म्यूटेशन हो रहा है। तो इसके तीन स्टेज होगी, इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस और इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं। वो क्या, जैसे डायरेक्ट वाले जो होते हैं वो नॉन मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, और जो इनडायरेक्ट वाले हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के। तो टारगेट सेल पे काम करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स जो कि टारगेट मॉलिक्यूल्स डीएनए पे एक्ट करेगा, डीएनए डैमेज होगा, क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्स, जो बदली हुई सेल है उसका प्रोलिफरेशन हुआ, क्लोनल प्रोलिफरेशन हुआ, इससे कैंसर फिनोटाइप बना और मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस और इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं, उनके द्वारा हो रहा है कि नो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन और मेटाबॉलिक एक्टिवेशन टारगेट सेल पे वर्क किया, फिर उसके बाद रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स बने, टारगेट मॉलिक्यूल्स चीफली डीएनए पे वर्क करते हैं, डीएनए डैमेज हो जाता है और फिर क्लोनल सेल प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, अल्टर्ड सेल में, और कैंसर फिनोटाइप बना और मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसी में इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन को दिखाया गया है। टारगेट सेल्स तो ठीक है, इनिशिएटर जो होते हैं और वहाँ पे इमीडिएट म्यूटेटेड सेल जो होती है वो बनी, फिर उसके बाद अगर एक्सपोजर जो है इनिशिएटर का लगातार परसिस्टेंट बना हुआ है तो फिर कैंसर सेल बन जाती है। अब केमिकल कार्सिनोजेंस और उनसे रिलेटेड ट्यूमर, तो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस जैसे कि अल्कालाइटिंग एजेंट और एसालाइटिक एजेंट। अल्कालाइटिंग एजेंट में क्या क्या चीज़ें है कि एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि साइक्लोफास्फामाइड, क्लोरम्बोसिल, बूसल्फान, मेलफान, ठीक है, मेलफेलेन और बीटा प्रोप्यूलेक्टोन, एपोक्साइड्स, ये है अल्कालाइटिंग एजेंट्स जो कि कौन सा ट्यूमर करते हैं, लिम्फोमास, एक्यूट माइलोइड लिकोमा, ल्यूकेमिया और ब्लैडर कैंसर। एसाइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि स्टाइल इमाजोडोल, डाइमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड, ये हो गए एसाइलेटिंग एजेंट्स, स्टाइल इमाजोडोल और डाइमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड, ये सब क्या करते हैं, लिम्फोमा, एक्यूट माइलोइड लिकोमा और ब्लैडर कैंसर, अल्कालाइटिंग एजेंट और एसाइलेटिंग एजेंट। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस जिसको प्रो कार्सिनोजेनेसिस कार्सिनोजेंस भी कहते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि टबेको स्मोकिंग, फॉसिल फ्यूल्स, सूट, टार, मिनरल ऑयल, स्मोक्ड एनिमल्स, फूड्स, इंडस्ट्रियल्स एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंसेस में आते हैं। एंथ्रेजेंस ठीक है, डाइबेंजा, उसके बाद डाइमिथाइल बेंजा, बेंजापायरिन, मिथाइल कोलेंथ्रीन, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। फिर एरोमेटिक अमाइंस एंड एजोडाइड्स और नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स मिसलेनियस। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में चार चीज़ें आएगी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक अमाइंस एंड एजोडाइड्स, नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स और मिसलेनियस। अब जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या कहते हैं, लंग कैंसर, स्किन कैंसर और कैंसर ऑफ द अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एरोमेटिक अमाइनो एजोडाइड्स क्या कराएगी, ये ब्लैडर का कैंसर कराती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, तो इसमें बीटा, नेप्था, नेप्थाइलेमिन, बेंजाडीन, एजोडाइस, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो एजोडाइस है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करा रही है। नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आएगा, अल्फा टॉक्सिन बी आई, एक्टिनोमाइसिन डी, माइटोमाइसिन सी, सेफ्रोलोन और बीटेल नट्स। तो यहाँ पे ये क्या कराएगी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट जैसे कि अल्फा टॉक्सिन बी आई, एक्टिनोमाइसिन सी, माइटोमाइसिन सी, सेफ्रोल और बीटेल नट्स, ये क्या कराएंगे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें आएगी, तो इसमें नाइट्रोसामाइंस एंड नाइट्रोसामाइड्स, ये कैसे कार्सिनोमा कराते हैं। विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स, ये एंजियो सारकोमा ऑफ द लिवर,
एब्सेस्टोस ये क्या करेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, और आर्सेनिक कंपाउंड ये कैंसर स्किन लंग का कराते हैं। मेटल्स इस क्या कराएगी, लंग का कैंसर कराएगी। इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल में कराते हैं कैंसर। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं, एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन और टेस्ट फॉर म्यूटाजेनेसिटी के लिए अमाइस टेस्ट लगाते हैं। अमाइस टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो साल्मोनेला टाइपिमेरियम की म्यूटेनस है उसमें क्या डाल दिए जाते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो उसके बाद अगर उनमें म्यूटेशन हो गया तो वो केमिकल कार्सिनोजेंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं इनिशिएटर कार्सिनोजेंस और प्रमोटर कार्सिनोजेंस। इनिशिएटर कार्सिनोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूटेशन को इंडक्शन करते हैं, और प्रमोटर कार्सिनोजेंस ये म्यूटाजेनिक नहीं होते। डोज सिंगल फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, और प्रमोटर कार्सिनोजेंस का डोज रिपीटेटेड डोज का एक्सपोजर चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। रिस्पॉन्स कैसा आएगा, इनिशिएटर कार्सिनोजेंस सडन रिस्पॉन्स मिलेगा, और स्लो रिस्पॉन्स मिले तो प्रमोटर कार्सिनोजेंस। चेंज परमानेंट चेंज कराएंगे इनिशिएटर, और ये जो है रिवर्सिबल चेंज कराते हैं प्रमोटर कार्सिनोजेंस। सिक्वेंस जो है ये अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाई प्रमोटर, पहले अप्लाई किया जाता है फिर उसके बाद उसको कौन फॉलो करता है, प्रमोटर। अप्लाइड आफ्टर प्रायर एक्सपोजर, इनिशिएटर के बाद प्रमोटर काम करेंगे। इफेक्टिवली तो इफेक्टिवली अलोन एक्सपोज इन लार्ज डोज, अगर लार्ज डोज इनिशिएटर का ले लिया तो कैंसर होगा, पर प्रमोटर नॉट इफेक्टिव अलोन, अकेले इफेक्टिव नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मोलिकुलर चेंजेस, तो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन हो पा रहे हैं ओंकोजेंस P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन, उसमें म्यूटेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्लोनल एक्सपांशन ऑफ म्यूटेशन सेल्स के कारण ये प्रमोटर। और एग्जांपल्स क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल कार्सिनोजेंस और रेडिएशन इनिशिएटर में आते हैं, और प्रमोटर में हार्मोन्स और फॉर्बोल एस्टर्स ये इसमें प्रमोटर कार्सिनोजेंस।